क्लास 9 मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 7.2 तक कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के। एक्सरसाइज 7.3 जो बेस्ड आपके हैं साइड और RHS कांग्रुएंसी क्राइटेरिया पर, जिसके बारे में फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस किया जा चुका है कि साइड से किस तरह से हम दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव करते हैं और साथ ही साथ राइट एंगल हाइपोटेनस साइड के बेसिस पर RHS के बेसिस पर हम कैसे ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 7.3 की, क्योंकि हम लोग कांग्रुएंसी के क्राइटेरिया पहले देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसकी बात करते हैं। आप लोग बुक ओपन कर लीजिएगा, ये पेज 128 की बात कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC इन फिगर 7.39। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट द पॉइंट P, देन शो दैट ट्रायंगल ABD, देखिए आपको शो करना है ट्रायंगल ABD एंड ACD इज कांग्रुएंट है, एंड ट्रायंगल ABP, दिस टू ट्रायंगल AB एंड P इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, साथ ही साथ इसमें फोर्थ एंड थर्ड पार्ट भी पूछा है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले गिवन पार्ट क्या है उसको नोट कर लेते हैं। गिवन की बात करें तो इसमें ट्रायंगल ABC और DBC आइसोसेस ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ ABC एंड DBC आइसोसेस ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल की बात करें ABC या आइसोसेस ट्रायंगल होगा, इसका मतलब इसके दो साइड आपस में इक्वल होंगे, और साथ ही साथ DBC की बात कर रहा है, मतलब ये देखिए BDC आइदर DBC, और अगर ये अभी आइसोसेस ट्रायंगल होगा इसका मतलब BD इज इक्वल टू DC होगा, क्योंकि आइसोसेस एक कंडीशन होती है कि इसमें कम से कम दो साइड आपस में दो साइड आपके इक्वल हुआ करते हैं। तो ABC आइसोसेस ट्रायंगल है, इन विच बेसिस AB इज इक्वल टू AC मिल जाएंगे, और DBC इज ऑल्सो आइसोसेस ट्रायंगल, देन BD इज इक्वल टू DC मिल गया। एंड A पॉइंट को एक्सटेंड किया गया D से, और फिर उसके बाद एक्सटेंड किया गया है P तक, और वो इंटरसेक्ट कर रही, मतलब P तक जब एक्सटेंड करते हैं तो वो BC को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब P पॉइंट पर। तो यहाँ पर शो क्या करना है वो जरा देख लेते हैं। हमें शो करना है ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट इज ट्रायंगल ABD इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ये दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इन्हीं की बात करते हैं, ACD लिखा है तो आप इसको लिख लीजिए ट्रायंगल ACD, ABD एंड ABD और ट्रायंगल ACD। यहाँ पर मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को ही प्रूव कर देता हूँ, ABD और ACD कौन सी कांग्रुएंसी क्राइटेरिया पर ये कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखिए ABD की बात कर रहा है, ट्रायंगल हमारे पास है ABD एंड ACD, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहले लिख लीजिए इनका नाम, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD को हम देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ACD में ये देखिए साइड आपके इक्वल है, बिकॉज गिवन है, क्योंकि ABC इज आइसोसेस ट्रायंगल है। ऐसे केसेस में यहाँ पर लिख लीजिए AB इज इक्वल टू AC, क्यों ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज गिवन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेस ट्रायंगल, देन उसके दो साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर ये आपस में इक्वल हो गए तो यहाँ पर आप देखिए जरा, यहाँ ये पार्ट देखिए, इस वाले को भी कह सकते हैं और ये तो कॉमन है ही, BD इज इक्वल टू DC कह दीजिए, BD इज इक्वल टू DC बिकॉज इट इज ऑल्सो गिवेन, क्योंकि BDC, ये देखिए DBC आइदर BDC इज एन ऑल्सो आइसोसेस ट्रायंगल है, इस बेसिस पर BD और DC भी आपस में इक्वल होंगे, तो ये भी गिवेन हो गया। और इसको देखा जाए तो AD दोनों ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है या कॉमन साइड है, तो यहाँ पर लिख दीजिए AD इज इक्वल टू AD विच इज कॉमन साइड, है ना, AD इज इक्वल टू AD विच इज कॉमन साइड, देन ट्रायंगल ABD
ट्रायंगल एबीडी इस कांग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल एसीडी के। कैसे होंगे भाई? बाय साइड साइड एंड साइड कांग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये आपस में कांग्रुएंट हो गए। ठीक है, ये आपसे पूछा था एबीडी और एसीडी के सारे पार्ट गिवन थे। ये कहा गया था कि एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एबी इज इक्वल टू एसी मिल गया, बीडीसी इज आल्सो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन बीडी इज इक्वल टू डीसी एंड एडी इज ए कॉमन पार्ट है या कॉमन साइड हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें जो सेकेंड पार्ट पूछा है हम यहाँ पर देखते हैं। सेकेंड पार्ट जो आपसे पूछा गया है वो एबीपी एंड ट्रायंगल, लिख लीजिएगा ट्रायंगल एबीपी, ट्रायंगल एबीपी इज कांग्रुएंट टू एबीपी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीपी पूछा है, ए सी एंड पी। चलिए इसको देखते हैं एबीपी एंड एसीपी कैसे कांग्रुएंट है, आप लोग नोट कर लिए होंगे, वेरी सिंपल पार्ट था ये, तो हम नेक्स्ट पार्ट को लेकर चलते हैं। ए बी पी एंड ए सी पी जिसको कांग्रुएंट प्रूफ करना उस ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट का प्रूफ देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ए बी पी एंड ए सी पी, देख लीजिए जरा ट्रायंगल को ए बी पी एंड ए सी पी, इसमें देखा जाए तो ए पी ए पी कॉमन हो गया, ये देखिए आपके कॉमन साइड हो गया, ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन साइड हो गया, ये इस ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल का आपस में इक्वल साइड है ना। देखिए ए पी बी या ए बी पी एंड ए सी पी में ए बी इज इक्वल टू ए सी बिकॉज इट इज गिवन है। और इस एंगल की बात करें, अगर इस एंगल की बात करें तो ये जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया है, ये जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो इसका मतलब ये एंगल आपस में इक्वल हो सकते हैं, है ना, बाय सी पी सी टी आप लिख सकते हैं, बिकॉज ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी इज कांग्रुएंट है। इन दिस केस दिस वन इज बी ए डी एंड सी ए डी इज इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी, तो ये पार्ट आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जरा देखिए ए पी बी और ए सी पी में क्या होगा, ये बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ए बी पी और ए सी पी में आप लिख लीजिए सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू ए सी कर दीजिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी, देखिए मैंने पहले इस साइड को ले लिया इस साइड के इक्वल, क्यों हो रहा है भाई आपको पता है क्योंकि ये गिवन पार्ट है, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, इट इज गिवन पार्ट। एंड नेक्स्ट वन इज मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी ए डी, पहले देखिए लिख रहा हूँ बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, है ना, ये आ जाएंगे सी ए डी, क्यों, बिकॉज ट्रायंगल हमने यहाँ पर भी प्रूफ किए कौन सा ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी कांग्रुएंट है, जब कांग्रुएंट होते हैं तो उसे करेस्पॉन्डिंग एंगल और करेस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर बी ए डी और सी ए डी में ये एंगल आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ट्रायंगल ए सी डी होगा, ए बी डी एंड ए सी डी आर कांग्रुएंट है, इसके बेसिस पर हम इनको कहेंगे आपस में इक्वल है। अगर ये बी ए डी को कहा जाए, देखिए इस एंगल की बात कर रहे हैं बी ए डी, मैं अगर इसको एक्सटेंड कर दूँ, इसको लिख दूँ बी ए पी, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसी लाइन को एक्सटेंड करके पी तक लिखा गया, तो जो एंगल आपका बी ए डी है वही एंगल बी ए पी है ना, नाम तो एक ही होगा, बी ए डी कहें या इसको कहें बी ए पी, तो मैंने बी ए डी की जगह बी ए पी लिख दिया, लिख सकते हैं कि इसी रे पर दोनों एंगल आपस में इक्वल ही होंगे, तो बी ए डी को हमने बी ए पी लिख दिया, और यहाँ देखिए सी ए डी को मैं लिख रहा हूँ सी ए पी, क्योंकि ऐसा लिखा जा सकता है दोनों एंगल एक ही हैं, एक ही लाइन पर एक ही रे पर सिचुएटेड है, इसलिए दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये साइड हो गए, ये एंगल हो गए, और साथ ही साथ ए पी इज इक्वल टू ए पी की बात कर लें तो यह ए बी पी और ए सी पी का कॉमन साइड पार्ट है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ए पी इज इक्वल टू ए पी बिकॉज ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल के बीच का दीवार है ना, तो ए पी इज इक्वल टू ए पी हो गया। अब इनके बेसिस पर देखें ए बी इज इक्वल टू ए सी मीन्स साइड, यहाँ पर एंगल और ये साइड, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि सो ट्रायंगल ए बी पी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी बाय साइड एंगल एंड साइड से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट हो गया ए बी पी और ए सी पी कांग्रुएंट हो गया। नेक्स्ट में थर्ड पार्ट की बात करते हैं, देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या पूछा है।
थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। देखिए थर्ड में पूछा है एपी कह रहा बाइसेक्ट करता है, एपी बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट कर रहा भाई, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ये दोनों को बाइसेक्ट करने के लिए कह रहा है कि एपी ए एंगल को और डी एंगल दोनों को बाइसेक्ट करता है। चलिए देखते हैं जरा, इसको पहले रब कर लें। प्रूफ क्या करना है, अगर ये बात कर रहा है कि एपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, दैट मीन्स हमें यह प्रूफ करना, अगर यह एपी लाइन बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, दैट मीन्स बी ए पी और सी ए पी आपस में इक्वल होना चाहिए, है भी इक्वल, है ना, यह है भी मैंने प्रूफ कर दिए हैं। नेक्स्ट अगर ए पी बाइसेक्ट करे एंगल डी को, ए पी बाइसेक्ट करे अगर एंगल डी को, इसका मतलब यह ए पी साइड है, यह ए पी है जो बाइसेक्ट कर रहा है अगर एंगल डी को, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए, कौन सा एंगल, बी डी पी और सी डी पी आपस में इक्वल हो। ये एंगल इक्वल हो जाएंगे जब हम इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट कर दें, कौन से ट्रायंगल, ए बी पी और ए सी पी, जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल आपस में, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रूव्ड है, कौन सा, ए बी पी और ए सी पी। बट इसके लिए अगर इस एंगल को हमें इक्वल दिखाना हो तो उससे पहले हमें बी डी पी और सी डी पी को कांग्रुएंट करना होगा, और कांग्रुएंट अगर कर देंगे, कौन से, बी डी पी और सी डी पी को अगर हम कांग्रुएंट कर देते हैं, तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट एंगल है, इसलिए दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाले को देखते हैं, ऊपर वह यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे भाई, हम लिख देते हैं बी ए पी, लिख लीजिए जरा, सिंस यहाँ कर दीजिए, यहाँ पर ऐसा लिख दे, सिंस ए बी पी और ए सी पी है ना, ए बी पी और ए सी पी कांग्रुएंट है, इसलिए ये हमारे एंगल इक्वल हो गए, डायरेक्ट लिख दीजिए, सिंस ट्रायंगल ए बी पी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी है, हमें कुछ करना ही नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, ये एंगल इक्वल करने के लिए सिंस ट्रायंगल ए बी पी एंड ए सी पी आर कांग्रुएंट है, देन हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देन बी ए पी एंड सी ए पी विल बी इक्वल, या हमने इनको जब प्रूव किए थे ये भी कांग्रुएंट किए थे तब भी ये एंगल इक्वल हो गया था, तो हम इसको लेकर चल देते हैं पूरे बड़े वाले पार्ट को, कि बी ए पी देन एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों कांग्रुएंट हैं, है ना, ये आपके जब कांग्रुएंट हैं तो यहाँ पर ये सी पी सी टी पार्ट हो गया। ठीक है, तो बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी हो गया, इट मीन्स ए पी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए पी बाइसेक्ट कर रहा एंगल ए को, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं, ये और ये इक्वल हो गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं देन ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, इट्स सो, है ना, यहाँ लिख दीजिए देन ए पी, यहाँ पर ए पी बाइसेक्ट बाइसेक्ट एंगल, बाइसेक्ट कौन से, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, इट्स सो, यही करना है, इट्स सो ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। नेक्स्ट में कह रहा है ए पी, क्या ए पी इसके साथ साथ एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ए पी इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ क्या इनको भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हम इस लाइन को जब बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, जो बी सी को पी पॉइंट पर टच कर रही है, तो ये एंगल को दो भागों में डिवाइड करते हुए चल रहा है, ऐसा शो करना है। इसके लिए हम इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर दें, इसके बाद ये सी पी सी टी कार्डिंग हो जाएगा। तो लिखते हैं जब इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट करना हो, इसका नाम लिख देते हैं बी डी पी एंड सी डी पी, तो इन ट्रायंगल बी डी पी एंड सी डी पी की बात कर रहे हैं, एंड ट्रायंगल सी डी पी एंड सी डी पी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बी डी पी को जरा ध्यान से देखिएगा, बी डी पी एंड सी डी पी में बी डी इज इक्वल टू सी डी ये गिवेन है, बी डी इज इक्वल टू, देखिए बी डी इज इक्वल टू सी डी ये गिवेन है, लिख लीजिए जरा, बी डी इज इक्वल टू सी डी, इट इज गिवेन पार्ट, ओके चलिए ठीक है, और डी पी इज इक्वल टू डी पी भी हो गया, बिकॉज कॉमन साइड हो जाएंगे, तो डी पी इज इक्वल टू डी पी विच इज कॉमन साइड हो गया, डी पी इज इक्वल टू डी पी। अब देखिए दो साइड तो हो गया, इस एंगल को इक्वल करना है, उसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं दिख रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि बी पी इज इक्वल टू सी पी, सोच कर बताइए, बी पी इज इक्वल टू सी पी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, बी पी इक्वल टू सी पी हो गया जी, कैसे हो गया सोचिए जरा, बी पी सी पी तो कहा ही नहीं था, मैंने इक्वल कैसे कर दिया,
मैं इक्वल कर रहा हूं क्योंकि मैंने ट्रायंगल एबीपी और एसीपी को कांग्रुएंट प्रूव कर दिया था। ट्रायंगल एबीपी और एसीपी जब कांग्रुएंट हो गया तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी के अकॉर्डिंग, कह सकते हैं ऐसा, है ना। तो मैं बीपी इज इक्वल टू सीपी लिख रहा हूं क्योंकि ट्रायंगल एबीपी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके हो गया, एसीपी के। तो ये सीपीसीटी के अकॉर्डिंग ये जब दोनों पार्ट है ना, ये ट्रायंगल या ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया तो ये तो साइड अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे, तो बीपी इज इक्वल टू सीपी हो गया। अब ये देखा जाए तो इसमें ये साइड इक्वल हो गए, ये कॉमन हो गए, ये साइड इक्वल हो गए, दैट मीन्स दी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो गए। तो आप लिख दीजिए सो ट्रायंगल बीडीपी इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीपी। अब ये हो गया भाई साइड 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 से, ये साइड साइड और साइड कांग्रुएंसी क्राइटेरिया से आपस में इक्वल हो गए, मतलब ये कांग्रुएंट हो गए। और जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि बीडीपी एंड सीडीपी आपस में इक्वल होंगे, सीपीसीटी बीडीपी एंड सीडीपी आपस में इक्वल हो गए। सो एंगल बीडीपी इज इक्वल टू एंगल सीडीपी, कैसे होगा भाई, क्योंकि ये सीपीसीटी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, है ना। ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बीडीपी एंड सीडीपी आपस में इक्वल हो गए। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये तो कह सकते हैं ना कि एपी बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो यही शो कर रहा है ना कि एपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी को। सो एपी बाइसेक्ट एंगल, यहाँ लिख दीजिए सो एपी बाइसेक्ट एंगल डी, सो एपी बाइसेक्ट एंगल डी को, ये यही शो कर रहा है कि एपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल डी को। एपी बाइसेक्ट कर रहा है, एपी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, जो कि ऑलरेडी एबीपी और एसीपी कांग्रुएंसी पर, या आप ये कह सकते हैं कि बीएडी एंड सीएडी कांग्रुएंसी होने का ये दोनों इक्वल था, तो ये यही बताता है कि यह एपी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं। अब इसके जो थर्ड पार्ट के बाद इसमें फोर्थ क्या पूछा है जरा उसकी बात करते हैं। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको, चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। प्रूफ ऑफ थर्ड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, इजी है कांग्रुएंसी क्राइटेरिया। नेक्स्ट चलते हैं इसमें जो शो करना है, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपसे क्या पूछा है, फोर्थ पार्ट में पूछा है एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, एपी इज परपेंडिकुलर फिर साथ ही साथ बाइसेक्टर ऑफ बीसी पूछा है। क्या एपी परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहा जी। देखिए एपी तो बाइसेक्टर है ही क्योंकि ये बीपी और सीपी इक्वल है, जब कांग्रुएंसी प्रूव कर दिए थे किसको, ए बीपी और ए सीपी को कांग्रुएंट प्रूव किए थे, तो ये करेस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो गए। या आप ये कह सकते हैं कि बीडीपी और सीडीपी को जब किए तब भी ये इक्वल हो जाएंगे, कांग्रुएंसी तो ऐसे भी हो गई है। तो ये एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप बीसी पूछा है, बस हमें ये परपेंडिकुलर शो करना बाकी रह गया है। परपेंडिकुलर अगर शो कर देते हैं, 90 डिग्री एक एक को दिखा देते हैं किसी एक को, तो इसका मतलब यह हो गया कि यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो चलिए जरा देखते हैं इन ट्रायंगल बीडीपी और सीडीपी में, ध्यान से देखें तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, लिख देंगे। देखिए कैसे, बीडीपी में बीपीडी लिख लीजिए जरा, एंगल सिंस एंगल बीपीडी इज इक्वल टू एंगल सीपीडी, एंगल CPD ये कैसे होगा, क्योंकि ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, BDP एंड CDP आर कांग्रुएंट है, क्योंकि ट्रायंगल BDP कांग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होने का हम ये कह सकते हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि साइड है ये साइड इक्वल है, तो ये साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। और इन दोनों ये दोनों जो बी पी पॉइंट पर जो एंगल बन रहे हैं, ये लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, पी पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो लीनियर पेयर एंगल है। तो आप ये कह सकते हैं कि बी पी डी, आप लिखिए जरा सिंस एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी प्लस एंगल सी पी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर लिख दीजिए लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर एंगल्स, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल हो गया, लीनियर पेयर आपके P पॉइंट पर बन रहा है। और BPD एंड CPD किसी एक को 90 डिग्री दिखाना, अगर ये 90 हो गया तो ये 90 हो ही जाएगा, BPD एंड CPD बोथ आर इक्वल है, तो ऐसा करिए जहाँ CPD लिखा है वहाँ पर BPD लिख दीजिए, बिकॉज बोथ आर इक्वल है।
तो बी पी डी प्लस बी पी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयर फोर टू टाइम्स ऑफ बी पी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल बी पी डी कितना आ गया, एंगल बी पी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया जी। और अगर एंगल बी पी डी 90 आ गया तो आप ये लिख सकते हैं, सो एंगल बी पी डी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी बोथ आर 90 डिग्री। ये तो हो गया जी, ये 90 डिग्री हो गया। और बी पी इज इक्वल टू सी पी है कैसे, क्योंकि ए बी पी और ए बी पी और ए सी पी आपके इक्वल ही था, तो यहाँ लिख दीजिएगा कांग्रुएंट था ना, तो यहाँ लिख दीजिए बी पी इज इक्वल टू सी पी। आप किसी तरीके से कहते हैं, चाहे इनको ले लीजिए चाहे पूरे ट्रायंगल को ले लीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा ट्रायंगल ए बी पी कांग्रुएंट ट्रायंगल था किसके, ए सी पी के। तो ये दोनों शो कर दिया, परपेंडिकुलर भी शो कर दिए आपने 90-90 डिग्री शो कर दिए और बाइसेक्टर भी शो कर दिए, तो ये प्रूफ हो गया। सो ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी हो गया। इसके बाद आप लिख लीजिए, सो ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसके, बी सी के हो गए, क्योंकि आपने यहाँ पर इन दोनों एंगल को 90 शो कर दिया, साथ ही साथ ये दोनों बराबर कर दिए, किसी भी कांग्रुएंसी से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर वन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये मैं आपको प्रूफ जो बताया हूँ ये फोर्थ पार्ट का प्रूफ था, इसमें आपके फोर्थ पार्ट दिए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन इजी है कांग्रुएंसी के, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए जरा, इसका रब कर दें, ओके स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू लेकर। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, AD इज द एल्टीट्यूड, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तो लिखा है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC है। कोई भी आइसोसेस ट्रायंगल ले लीजिएगा, मतलब ABC का आइसोसेस ट्रायंगल है, यहाँ को मैं बना दे रहा हूँ, है ना। ये देखिए ट्रायंगल A, मतलब यहाँ पर है इनके वर्टिसेस के नेम ABC, और इसमें कह रहा AD इज एन एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, ठीक है ना, एल्टीट्यूड में 90 डिग्री बना रहा है। पहले एक देख लीजिएगा, ए डी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेस ट्रायंगल जिसमें कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। आपको शो क्या करना है वो नोट कर देते हैं, इसमें ट्रायंगल को देखते रहिए, और इसमें पूछा है क्या ए डी बाइसेक्ट करता है, ए डी बाइसेक्ट्स, ए डी बाइसेक्ट बी सी, एंड नंबर टू इज ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये दो चीज़ें आपसे पूछा है। गिवन पार्ट लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्या क्या गिवन है, इसमें ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये गिवन पार्ट है, साथ ही साथ ये डी है ना, ये डी है, तो इसमें ए डी बी आप ये लिख सकते हैं, ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये अपने आप ही 90 होगा, या ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी है, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी है ना, लिखा ना, ए डी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेस ट्रायंगल है, तो एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है बी सी साइड पर, ठीक है, ये गिवन मान के चलते हैं। अच्छा चलिए जरा देखते हैं इसका प्रूफ, ये तो बहुत सिंपल वैसे होगा, प्रूफ में क्या करना जरा वो देख लीजिए। कह रहा ए डी बाइसेक्ट बी सी, ए डी अगर बी सी को बाइसेक्ट करेगा तो बी डी इज इक्वल टू डी सी लाना होगा, यही ना होगा, ए डी बाइसेक्ट बी सी दैट मीन्स बी डी इज इक्वल टू डी सी प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना बी डी इज इक्वल टू डी सी। और ए डी बाइसेक्ट एंगल ए अगर होगा, ए डी लाइन अगर ए को बाइसेक्ट करेगा, तो इसका मतलब आपको प्रूफ करना है बी ए डी, क्या प्रूफ करना भाई, इसमें प्रूफ करना है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये दो चीज़ें आपको प्रूफ करना है, और ये आराम से हो जाएगा अगर इन दोनों को कांग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, तो ये दोनों पार्ट आपके सी पी सी टी हो जाएंगे, है ना, कांग्रुएंसी ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाते हैं। तो आप इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी और ए सी डी, इन ट्रायंगल लेकर चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी की बात करते हैं, एंड ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पर मैं RHS अप्लाई करूँगा। RHS को आपको याद होगा कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड अगर इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के 90 डिग्री के सामने वाली साइड के, ये 90 डिग्री है इसके सामने वाली साइड ये है, और ये 90 डिग्री इस ट्रायंगल का इसके सामने वाली साइड AC है, अगर ये दोनों साइड इक्वल हो, है ना, फ्रंट ऑफ 90 डिग्री है, साथ ही साथ कोई एक साइड और मिल जाए जो कि इक्वल हो आपस में, तो ऐसे केसेस में RHS कांग्रुएंसी क्राइटेरिया अप्लाई की जा सकती है इन दोनों को कांग्रुएंट शो करने के लिए।
तो आप यहां लिख दीजिए 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड इक्वल है, मैं यहां लिख रहा हूं ए बी इज इक्वल टू ए सी, लेकिन जब 90 डिग्री के सामने वाली साइड इक्वल हो रही है इसलिए इसको ए बी इज इक्वल टू ए सी न लिखकर इसका नाम दे देते हैं हाइपोटेनस, इसका नाम दे देते हैं हाइपोटेनस, ठीक है ना। हाइपोटेनस कौन सा, ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेनस, जिसको एच वाई पी लिख देता हूँ, हाइपोटेनस ए सी। ये दो चीज़ें बताता है, ये बताता है कि मैं ये आपस में इक्वल हूँ, साथ ही साथ मेरे सामने वाला एंगल भी 90 डिग्री है, जिसका मतलब होता है हाइपोटेनस ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेनस ए सी। अगर आर एच एस अप्लाई करना होगा तो याद रखिएगा कि 90 की जो सामने वाली साइड अगर इक्वल है तो उसका नाम ए बी इज इक्वल टू ए सी मत कहिए, उसको लिखिए हाइपोटेनस ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेनस ए सी कहिए, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरी साइड इक्वल है इसमें, क्या है, इन ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी में ए डी इज इक्वल टू ए डी है, बिकॉज ये कॉमन साइड है, ए डी इज इक्वल टू ए डी क्योंकि यह कॉमन साइड है। अगर आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, हम आर एच एस ही क्यों अप्लाई करें, हम डायरेक्टली कर सकते हैं, तो देखिए साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, साइड के बिटवीन ये एंगल मिल जाए तब भी माना जाता, लेकिन है ही नहीं, तो ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, मिल नहीं रहा, आर एच एस अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ओके। तो ए डी इज इक्वल टू ए डी विच इज कॉमन साइड हो गया, हम इसको लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, ए सी डी के, बाई आर एच एस कांग्रुएंसी क्राइटेरिया से। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होंगे इसके बाद जितनी भी चीज़ें पूछी आप उसको लिखते जा सकते हैं। तो इसमें पहला पार्ट पूछा है सो बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू बी डी इज दिस, बी डी इज इक्वल टू डी सी बिकॉज ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ए सी डी आर कांग्रुएंट है, तो यहाँ पर लिख दीजिए बाय सी पी सी टी या सी पी सी टी पार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले बात करते हैं, नेक्स्ट में आपसे पूछा है बी ए डी, एंगल बी ए डी एंगल सी ए डी आपस में इक्वल है, तो ये भी लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी विच इज ऑल्सो करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल है, तो आपको सी पी सी टी लिखना है, और ये शो करता है कि ए डी एंगल को बाइसेक्ट करती है, साथ ही साथ साइड को भी बाइसेक्ट करी, और कुछ सोचना ही नहीं इसमें, आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए आर एच एस कांग्रुएंसी क्राइटेरिया अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए जरा।